नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत की एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 35 सालों से पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में सेवा में हूँ। हम पत्की हॉस्पिटल की तरफ से प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ ये श्रृंखला आपके लिए ले आए हैं और आज हम पाँचवें महीने की मतलब पाँचवें कड़ी में ये जानकारी लेने आए हैं। प्रेगनेंसी 9 महीनों की होती है जो सेकेंड ट्राइमिस्टर, थर्ड ट्राइमिस्टर और फर्स्ट ट्राइमिस्टर में बांटी जाती है। हमने 4 मंथ तक की जानकारी ली है, अभी आज हम पाँचवें महीने में जा रहे हैं। अगर आप 10th जनवरी या आपकी एमसी की लास्ट एमसी का फर्स्ट डे पकड़ते हो तो 10th जनवरी से हमारी गिनती चालू हुई फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 10th मई को आपको चौथा महीना पूरा हुआ और आज से पाँचवा महीना चालू हुआ है। ये महीने में हमारी होने वाली मॉम क्या महसूस करती है? तो पाँचवें महीने में पेट बाहर निकलने लगता है। आपका यूट्रस अभी ऊपर ऊपर नाभि के नीचे एक उंगली तक आ पहुंचा है। उसे के लिए आपको पेट में भारीपन महसूस होता है, यूरिन को बार बार जाने को जी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि वो गर्भपिशवी का प्रेशर, यूट्रस का प्रेशर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन की थैली और आतड़ियों पर पड़ता है। अभी आपका नौशिया वॉमिटिंग तो बिल्कुल ही कम हुआ होगा, लेकिन आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी ये तो चालू ही रहती है। खाने को मन नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना आपको 4 बार खाना है। ये महीना जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे आपकी भूख बढ़ेगी और ऐसी बढ़ती हुई भूख को आप विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, रफेज में आपको पाली भाजी जिसे हम हरी पत्ती वाली सब्जी बोलते, सब प्रकार के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये खाने हैं। अभी आपको ब्रेस्ट चेंजेस के बारे में मैं जानकारी देती हूँ। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का साइज बढ़ना ये आम बात है। ये बेबी को फीडिंग करने की ब्रेस्ट की तैयारी हो रही है। आगे आने वाली डिलीवरी के बाद दूध बच्चे को मिले इसलिए ब्रेस्ट में बहुत सारे बदलाव आते हैं। साइज बढ़ता है, हेवीनेस मालूम होता है, जो निपल है वो ज़्यादा बड़ी दिखने लगती है। निपल के बाजू में एरियोला जिसे हम बोलते वो डार्क ब्लैक, डार्क पर्पल दिखने लगता है और ब्रेस्ट के ऊपर काली लाइंस भी आने लगती है। ये सब ब्रेस्ट चेंजेस होना बहुत नेचुरल बात है और आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप एक माँ बन रही हो और शिशु को दूध देने की तैयारी में अभी ब्रेस्ट लग गई है। दूसरा आपको चेंज लगेगा, किसी किसी पेशेंट्स को पाँव पर सूजन आती है। ये हर एक के बारे में अलग अलग होता है, किसी को बिल्कुल ही नहीं आएगी, किसी को 7वें महीने के बाद आएगी। तीसरी बात ध्यान में रखिए, यूरिन को हल्की सी भी तकलीफ हुई तो आपको डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। मैंने आपको डाइट के बारे में भी सलाह दी, आप डाइट चार्ट हमारा रेफर करके उस हिसाब से डाइट प्लान कर सकते हो। ऑफिस में हो, काम में हो तो 2-3 घंटे के बाद कुछ तो खाना, फ्रूट खाना, फ्रूट जूस लेना, नारियल पानी लेना ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी डॉक्टर आपको कौन सी ब्लड टेस्ट और मेडिसिंस की सलाह देते हैं और हमारा शिशु कैसा होता है, तो डॉक्टर आपको अभी आयरन और विटामिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम ये गोलियों में से चुनकर आपकी तबीयत के अनुसार गोलियां रिकमेंड करेंगे। आपको प्रोटीन पाउडर दे देंगे और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ज़रूरत पड़े तो दे देंगे। दूसरी बात रही आपके तपास की, आपका ब्लड टेस्ट तो तीसरे महीने में हो चुका है और डबल मार्कर टेस्ट के साथ साथ आपके रूटीन ब्लड के सब रिपोर्ट्स भी हो चुके हैं, तो ये महीने में खास करके ब्लड टेस्ट नहीं होती, लेकिन टारगेट एनामली स्कैन मतलब पाँचवें महीने का सबसे महत्वपूर्ण स्कैन है। अभी आपका शिशु लगभग 200 से 300 ग्राम वजन का है और उसमें अपने बच्चे में अभी सब बॉडी पार्ट्स बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुके हैं। उनका विकास नहीं हुआ है लेकिन वो पार्ट्स अभी बन गए हैं, तो इनकी डिटेल सोनोग्राफिक तपास मतलब टारगेटेड एनामली स्कैन ये आपका
17 से 19 वीक के दौरान हो जाएगा। कभी कभी फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी इसके साथ जुड़ती है, कभी कभी ये इकोकार्डियोग्राफी सातवें महीने में भी कर लेते हैं। अभी आपको क्वाड्रुपल मार्कर के बारे में जानकारी देती हूँ। किसी किसी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार आप टारगेटेड एनामली स्कैन के साथ साथ क्वाड्रुपल मार्कर ये डाउन सिंड्रोम की जांच कर सकते हो। तो ये रही आपकी ब्लड जांच के बारे में जानकारी। अभी आपके होने वाली डैड के लिए क्या सूचना है? तो हमेशा आपकी मॉम को सपोर्ट रखना है, घर में हैप्पी रखना है, उसके साथ काम पे आना जाना छोड़ना, उसकी सुविधाओं पे ध्यान देना है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर में अवेलेबल रखना है। प्रेगनेंसी में बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा हैप्पी रखना है। इसके साथ साथ पाँचवें महीने की जानकारी हमने पूरी कर दी है। अगली श्रृंखला में मिलते हैं छठे महीने के लिए। धन्यवाद।